हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शॉपसी एप्स की कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो उसको रिटर्न करने के बाद आपको कैसे आपके खाते में पैसा आएगा, तो शॉपसी एप्स के अकाउंट में कैसे अपना पैसा लेने के लिए अपना खाता को ऐड करना करेंगे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको शॉपसी एप्स में अपने अकाउंट को कैसे सेट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ, तो उसी तरह आप भी अपने खाते को ऐड करना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ओपन कर लिया है शॉपसी एप्स को। ओपन करने बाद नीचे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा जो आपको अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे फ्रेंड आपको अकाउंट का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ से देख सकते हैं माई बैंक अकाउंट, बैंक दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा जो माई बैंक अकाउंट है। अब पहले नंबर पर माई अर्निंग दिखाई दे रहा है, तो बैंक अकाउंट पर ऐड करने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे जो आपको इस तरह से देख सकते हैं बैंक नेम अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड ऐड पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको क्या होता है ऐड बिलिंग एड्रेस देगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपको गांव का एड्रेस रहता है या शहर का एड्रेस रहता है तो अपना नाम डालेंगे, उसके ऊपर से अपने एड्रेस को डालेंगे और पिन कोड डालेंगे और जैसे जिला जो सिटी है और आपको स्टेट जो है इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद आपको देख सकते हैं अकाउंट डिटेल में आपको क्या करना है, जैसे आपको जिस पैसा आप खाते में रिफंड करते हैं तो उस खाते में पैसा कितने मंगाना है तो आपको उसमें ऐड करना है। जैसे आपको खाता नंबर का खाता होल्डर का नाम रहेगा और अकाउंट नंबर रहेगा और कन्फर्म अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जैसे होता है उसमें पासबुक में आईएफएससी कोड रहता है। उससे क्या होगा फ्रेंड कि जैसे उस ब्रांच का आईएफएससी कोड रहेगा तो उसे आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सीधे खाते में पैसा आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से भर लेंगे फ्रेंड, भरने के बाद देख सकते हैं हमने कन्फर्म अकाउंट पर क्लिक करके अपने आईएफएससी कोड को इंटर कर दिया है। इस फ्रेंड इस तरह से इंटर करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने बाद देख सकते हैं हमारा खाता वेरिफिकेशन पेंडिंग में हो गया है जो आपको सीधे आपके खाते में आपको एक रुपये क्रेडिट होगा। ऐसे क्या होगा कि जैसे शॉपसी एप्स के अकाउंट से पता चल जाएगा कि आपका खाता सही है या गलत, तो इससे पता चल जाएगा तो हमारा देख सकते हैं एक रुपया क्रेडिट हो गया जो हमारे एक रुपया खाते में आ गया। तो इस तरह से हमें आसानी से पता चल गया कि हमारा खाता है जो ऐड हो गया, हमारा खाता नंबर कन्फर्म है इसमें। तो इस तरह से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, ऑर्डर करने पर रिटर्न करेंगे तो आपको सीधे खाते में रिफंड करेंगे तो सीधे खाते में पैसा आ जाएगा। और इस तरह से देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड हो गया आपका। तो कोई प्रोडक्ट फ्रेंड ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने बाद आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के बाद इस तरह से आपको ऐड कर देंगे तो आप आसानी से आपके खाते में पैसा आ जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं होगा। और फ्रेंड आपको बता दें कि शॉपसी एप्स में अच्छी अच्छी चीज़ें और लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी।